नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं छोटे बच्चों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत स्वेटर लाई हूँ, जिसे या तो आप चार गले के सिलाई से बना सकते हैं या फिर सर्कुलर नीडल से ये बनेगा। तो बॉर्डर पे मैंने 84 स्टिचेस डाले हैं और हम 6 लाइन बॉर्डर का बनाएंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए। मैं ये स्वेटर 10 नंबर की सिलाई पे बना रही हूँ और पूरा स्वेटर 10 नंबर की सिलाई पर ही बनेगा। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, यानी सिंगल रिब में बुनते हुए हम 6 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 7 लाइन बनके तैयार हो गया है। 4 सिलाई से 7 लाइन बनके ये तैयार हो गया है। जैसे कि गले से बनने वाले किसी भी स्वेटर को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं, क्योंकि ये 4 सिलाई से बना हुआ है इसलिए इसमें सिर्फ 4 पार्ट करेंगे। तो ये इस तरह है, ये हमारा बॉर्डर है, तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बैक और फ्रंट में हम 24 फंदे रखेंगे और 14 14 फंदे हम आस्तीन पे रखेंगे, और ये डिवाइडर हमारा 2-2 फंदे का रहेगा। तो 84 स्टिचेस को हमने बांटा 24 + 2 + 14 + 2 + 24 + 2 + 14 + 2। तो 84 फंदों को हमने इस तरह बांटा है, 24 24 स्टिचेस फ्रंट और बैक के, 14 और 14 आस्तीन के, और 2-2 फंदे डिवाइडर के, टोटल 84। अब हमें सिर्फ सीधा सीधा बुनना है, तो हम एक फंदा ये सीधा बुनेंगे और फिर इसी फंदे में बैक से एक और फंदा बुन लेंगे। ये हमारा एक डिवाइडर हो गया। फिर हम 24 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये हो गया फ्रंट के। अब हमें 2 फंदों का डिवाइडर बनाना है, तो पहले ऊन अपनी ओर करेंगे, इसमें उल्टा बुन लेंगे और फिर इसी फंदे में सीधा। ये एक डिवाइडर हो गया। और दूसरे डिवाइडर को बनाने के लिए पहले सीधा बुनेंगे और फिर इसी फंदे में उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ हमने 2 से 4 फंदे बना लिए। अब फिर हमें 14 फंदे बुनने हैं, 1, 2, 3,
चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 13 और 14। ये 14 फंदे आस्तीन के हो गए। अब हमें डिवाइडर बनाना है, तो पहले हम उल्टा बुनेंगे और फिर इसी फंदे में सीधा। ये 1 से 2 हुआ, और दूसरा डिवाइडर बनाने के लिए पहले सीधा बुनेंगे और फिर इसी फंदे में उल्टा। फिर हम 24 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। और ये दोनों फंदे डिवाइडर के रहेंगे। तो पहले डिवाइडर में हम उल्टा बुनते हैं और फिर उसी में सीधा, और दूसरे वाले डिवाइडर में पहले सीधा बुनते हैं और फिर उसी में उल्टा। तो अब फिर हमें आस्तीन के 14 फंदे बुनने होंगे। तो 14 फंदे हम सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। और यहाँ पे हमने एक ही डिवाइडर बनाया था, तो ये दूसरा वाला डिवाइडर है। तो पहले हम उल्टा बुनेंगे और फिर इसी में सीधा। और अगली लाइन में हमें कोई भी फंदे बढ़ाने नहीं हैं, हमें बस सभी फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। सभी फंदे हम सीधा बना लेंगे, पूरा राउंड घूम के आएंगे। सभी फंदे सीधा बुनते हुए हमने लाइन कंप्लीट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हर पांचवी सिलाई पर डिवाइडर के दोनों तरफ एक फंदा इधर और एक फंदा इधर बढ़ाते हुए अब इसकी लंबाई 4 इंच हो चुकी है। हर पांचवी सिलाई पर फंदे बढ़ाते हुए हमें इसकी लंबाई 5.5 इंच कर लेनी है। अभी ये 4.5 इंच ही हुआ है और अब हमें इसकी लंबाई 5.5 इंच कर लेनी है। क्योंकि ये चौथी लाइन है, इसलिए इस लाइन में हमें फंदा नहीं बढ़ाना है, बल्कि हर पांचवी लाइन में हमें डिवाइडर के दोनों तरफ फंदे बढ़ाने हैं। सभी फंदे सीधा बुनते हुए हम फिर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं, और ये पांचवा लाइन है और इसमें हमें दोनों डिवाइडर के दोनों तरफ फंदे बढ़ाने हैं। तो ये पहला फंदा है, इसमें पहले उल्टा बुनेंगे फिर सीधा बुनेंगे, और ये दूसरा डिवाइडर है, इसमें पहले सीधा बुनेंगे और फिर उल्टा। तो यहाँ पे 2 से 4 फंदे हो गए। फिर उन दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदे सीधे बुनते हुए हम दूसरे डिवाइडर तक आएंगे। सभी फंदे सीधे बुनते हुए हम वापस दूसरी डिवाइडर पे आ गए हैं। तो ये डिवाइडर का 2 फंदे हैं। पहले फंदे में पहला हम उल्टा बुनेंगे फिर सीधा, और दूसरे फंदे में पहले सीधा बुनेंगे और फिर उल्टा। तो ये 2 से 4 फंदे हो गए। फिर शेष फंदे
और ये सातवीं बार बढ़ रहा है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सातवीं बार। हर पांचवी सिलाई में फंदे बढ़ाए जा रहे हैं और बाकी फंदे सीधे बुनते हुए हम तीसरे डिवाइडर पे आ जाएंगे। अब ये फिर तीसरा डिवाइडर है, तो पहले फंदे में पहले उल्टा और फिर इसी में सीधा, और ये दूसरा फंदा है तो इसमें पहले सीधा और फिर इसी में उल्टा। तो ऐसे ही बुनते हुए हम 5.5 इंच तक कंप्लीट करेंगे। तो 5.5 इंच तक बुनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 5.5 इंच तक इसकी लंबाई हो चुकी है और इस समय हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बार हम दोनों तरफ एक एक फंदे बढ़ा चुके हैं। और अब ये फ्रंट साइड है, सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट के सारे फंदे बुने जा चुके हैं और हम ये हमारा डिवाइडर है, तो डिवाइडर में दो फंदे थे तो एक फंदे हम फ्रंट में ले लेंगे और एक फंदा आस्तीन में ले लेंगे। तो ये अब हमारा आस्तीन है, तो इसे अब हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा यानी सिंगल रिब में आस्तीन के सारे फंदे बुन लें। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए आस्तीन के सारे फंदे हम कंप्लीट बुन लेंगे, यानी एक डिवाइडर से दूसरे डिवाइडर तक। चूंकि डिवाइडर में दो फंदे हैं तो एक फंदा आस्तीन में आएगा और एक फंदा फ्रंट या बैक में आएगा। दोनों आस्तीन का फंदा हमें बॉर्डर की तरह बुनना है और बैक और फ्रंट का फंदा प्लेन बुनना है यानी सीधा बुनना है। तो एक फंदा हमारा आस्तीन में आ गया, अब दूसरा फंदा जो है डिवाइडर, दूसरा डिवाइडर वो बैक में आएगा। फ्रंट ये बुना जा चुका है, ये बैक पोर्शन है, तो बैक पोर्शन के सभी फंदे सीधे बना लेंगे। अब ये दूसरा आस्तीन आ गया तो इसमें भी एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, यानी बॉर्डर की तरह हमें आस्तीन के सारे फंदे बुन लेने हैं। इस तरह हम 5 लाइन कंप्लीट करेंगे, यानी बैक और फ्रंट के सभी फंदे हम सीधे बुनेंगे और दोनों आस्तीन के फंदे बॉर्डर की तरह बुनेंगे। तो 5 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 5 लाइन ये कंप्लीट हो गया है और अब 6वां लाइन शुरू हो गया है और हम आस्तीन के पास आ गए हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको सभी फंदे के बारे में बता दूं। तो देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर में 84 स्टिचेस थे, उसके बाद हमने 4 भागों में इसे डिवाइड किया, तो फ्रंट और बैक पे 24 24 स्टिचेस थे और आस्तीन में 14 14, दोनों आस्तीन में 14 14 थे। उसके बाद हमने हर 5वीं सिलाई पे फंदे बढ़ाए और 9 बार बढ़ाए, तो 9 फंदे इधर बढ़ गए, 9 फंदे इधर बढ़ गए। तो यहाँ पे दो दो डिवाइडर हैं, डिवाइडर हमने 2 फंदों का लिया था, 9 फंदे इस साइड में, 9 फंदे इस साइड में, 9 फंदे इस साइड में और 9 फंदे इस साइड में बढ़ गए, यानी इसमें 18 फंदे जुड़ गए, 9 फंदे इस साइड से और 9 फंदे इस साइड से, 9 फंदे इस साइड से, 9 फंदे इस साइड से और 24 फंदे थे, तो टोटल हो गए 42, यानी यहाँ पे हमारे पास 42 स्टिचेस हैं। और फिर आस्तीन में
14 फंदे थे, 9 फंदे एक साइड से और 9 फंदे दूसरे साइड से बढ़ गए, तो यहाँ पे हो गए 32। इसी तरह 32 दूसरे आस्तीन में हो गए और 42 जो है वो बैक में भी हो गए। तो फ्रंट और बैक में 42 स्टिचेस और दोनों आस्तीन में 32 32 और 8 फंदे डिवाइडर के। तो इस तरह हमारे पास हो गए, इस प्रकार हमारे पास हो गए 42 + 2 + 32 + 2 + 42 + 2 + 32 + 2 यानी 156 टोटल स्टिचेस हैं, 156। और हमने फ्रंट के सारे फंदे बुन लिए हैं और अब हम आस्तीन पे हैं, तो आस्तीन पे 32 फंदे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे और पहले फंदे को उठाएंगे और दूसरे फंदे पे ऐसे चढ़ा देंगे। अगला फंदा सीधा है उसे सीधा बुनेंगे, बैक वाले फंदे को उठाएंगे और दूसरे फंदे पे ऐसे चढ़ा देंगे। यानी हम अब फंदे घटा रहे हैं, तो हम आस्तीन के सारे फंदे यानी 32 स्टिचेस घटा देंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और सीधा उल्टा बुनते हुए सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा उठाएंगे, आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे। अगला फंदा सीधा है उसे सीधा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे। यानी हम बॉर्डर को सीधा उल्टा बुनते हुए ही घटाएंगे। तो सारे फंदे घटा के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आस्तीन के 32 फंदे मैंने घटा लिए हैं और अब हम बैक साइड में आ गए हैं, तो बैक के सारे फंदे हम सीधा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बैक पोर्शन के भी सारे फंदे सीधे बना लिए गए हैं और अब हम दूसरी आस्तीन पे आ गए हैं, तो दूसरी आस्तीन के भी सारे फंदे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए घटा देंगे। दो फंदा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे, फिर अगला फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे। तो एक फंदा सीधा बुनते हुए सीधे फंदे को सीधा बुनते हुए और उल्टे फंदे को उल्टा बुनते हुए और पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे पे चढ़ाते हुए सारे फंदे हम उतार लेंगे। तो मैं सारे फंदे आपको उतार के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ आस्तीन के फंदे घटा दिए गए हैं और इसके साथ ही बेबी स्वेटर का फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।